गाइस वेलकम टू माय चैनल, दिस इज प्रिया श्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपसे आपके हेल्थ से रिलेटेड, लाइक आपके हेयर, आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपका ग्लो, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एंड ये जो वीडियो होने वाली है पूरी तरीके से वीडियो होने वाली है वेजिटेरियन लोगों के लिए। बेसिकली जो वेजिटेरियन चीजें होती हैं वो नॉन वेज लोग तो खा सकते हैं, बट नॉन वेजिटेरियन चीज जो है वेजिटेरियन लोग नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। बट जब बात आती है फैटी एसिड्स की, तो आप फिश ऑयल को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की बात करते हो एंड फिश ऑयल जो है वो वेजिटेरियन लोग जो है वो नहीं ले पाते हैं। सो उन फिश ऑयल का जो फैटी एसिड होता है, लाइक ओमेगा 3 और जो फैटी एसिड उसके अंदर होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए, आपके स्किन के कोलाजन के लिए, इलास्टिसिटी के लिए एंड मच मोर। इन सारी चीजों के लिए जो है ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। बट जब इस चीज की बात आती है कि कैसे इसको ग्रहण किया जाए, तो हमेशा बात आती है फिश ऑयल की। वेजिटेरियन लोग सोचते हैं कि हम तो शायद ये ले ही नहीं पाएंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस। वेजिटेरियन लोग भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने डेली लाइफ के अंदर शामिल कर सकते हैं। वो किस तरीके से शामिल करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ये सारी चीजें होती है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो ना ही केवल आपकी स्किन, हेयर और ग्लोइंग स्किन के लिए, इन सब चीजों के लिए जरूरी, जबकि वो आपके हार्ट डिजीज को भी ठीक रखता है, आपके हार्ट के हेल्थ को ठीक रखता है, आपको एंजाइटी से दूर कर रहा होता है, अगर आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है तो वो सारी चीजों को मेंटेन करता है, आपके ट्यूमर को जो है नहीं बढ़ने देता, किसी भी तरीके के जो ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं उसको नहीं बढ़ने देता, साथ ही साथ आपके जॉइंट के लिगमेंट इन सब में बहुत अच्छा रोल जो है वो निभा रहा होता है। तो ना ही केवल हेयर के लिए आप लीजिए, जबकि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बेनिफिट जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है देते हैं। तो आप सोचोगे कि कौन सी चीज के बारे में बात करिए जिसको वेजिटेरियन लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूँ फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में। यस गाइज, फ्लैक्सीड ऑयल भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा जो है एक सोर्स होता है। आम जीवन में हम लोग जो है फ्लैक्सीड को बिल्कुल भूल जाते हैं। आप अगर पिछले टाइम पे जाएंगे, बहुत टाइम पहले की अगर आप बात करेंगे, लाइक आज से 10-12 साल पहले, तो जो फ्लैक्सीड का जो चलन था वो सिर्फ ये था कि जो गरीब लोग होते थे वो ही इसको जो है कंज्यूम करते थे, फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर खाना बनाते थे, या फ्लैक्सीड ऑयल की चटनी हो गई, फ्लैक्सीड की चटनी हो गई, या फिर अलसी बोल सकते हो आप इसको हिंदी के अंदर, एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इसको नाम लिया जाता है। कोई तीसी भी बोलते, कोई अलसी भी बोलता है, कहीं पर फ्लैक्सीड बोला जाता है, तो जैसे भी आप इसको बोलना चाहोगे। तो इसकी चटनियाँ, इसकी बहुत तरीके से इसको यूज किया जाता था, इसको भून करके एज अ रोस्ट करके वो लोग डेली खाते थे, तो भूंजा हो जाता था वो उनका, तो इस तरीके से जो है गरीब लोग ही यूज करते थे। जब इसके साइंटिस्ट ने जब इसके मेन चीज यानी इंग्रेडिएंट एंड इसके महत्वपूर्ण चीजों के बारे में देखा कि इसके अंदर इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसको बहुत सारे जो है रिच लोग, जो कि आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो लोग जो है इसको यूज करने लग गए। एंड उन्होंने देखा कि नॉनवेज से ज्यादा इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है चीजें पाई जाती है। अब फ्लैक्सीड का इतना ज्यादा चलन हो गया कि एग को रिप्लेस करके ब्रेड में, केक्स में एंड मच मोर थिंग्स, यू नो, ब्राउनी वगैरह के अंदर भी फ्लैक्सीड को डाला जाने लग गया। तो फ्लैक्सीड का इतना चलन हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा सस्ता एंड अच्छा चीज है। लाइक पहले के जमाने में फ्लैक्सीड तो बहुत सस्ता आता था गाइस, आई मीन वेरी वेरी चीप, ठीक है ना, वो गरीब लोग यूज करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि गरीब अमीर ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, बस इसमें एक आपको आइडिया दे रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। वेरी सॉरी अगर किसी भी मैं कम्युनिटी को थोड़ा हर्ट कर दूं, तो अगर ऐसा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बट जो है फ्लैक्सीड बहुत ही कम प्राइस के अंदर आता था, लेकिन जैसे इसका चलन बढ़ा, जैसे ही इसके बेनिफिट्स के बारे में हमको पता लगा, तो इसका जो प्राइस है वो हाई होने लग गया। बट फ्लैक्सीड को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप अगर बहुत ज्यादा बिजी इंसान है ना अपने लाइफ के अंदर, और आपको रोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, फ्लैक्सीड की चटनी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर बोल सकते हो फ्लैक्सीड की रोटियां, ब्राउनी, ब्रेड, ये सब बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे फ्लैक्सीड को जो है कंज्यूम कर सकते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर। सो आज मैं बात करने वाली हूँ ए नेचुरल के फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में। यस गाइस, दिस इज द एसेंशियल फैटी एसिड फॉर्मूला है ये, एंड ये एक ऑयल फॉर्म में आप लोगों के साथ मिलेगा।
दिस इज वेरी वेरी गुड एंड इसके अंदर आपको 60 कैप्सूल मिलेंगे जो आप दिन के अंदर 2 कैप्सूल जो कंज्यूम करोगे. सभी लोग इसको बहुत इजिली ले सकते हैं, लड़के लड़की आराम से इसको ले सकते हैं. द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 1000 rupees बट इसको आप डिस्काउंट पर बाय कर सकते हो. जहां से आप बाय करोगे डिस्काउंट पर, मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो यू गाइज कैन गो एंड चेक दम आउट. ऑल्सो इसके अंदर आपको 60 जो है कैप्सूल मिलते थे. कैप्सूल फोम जो है आपको, मेरे पास 2 यहाँ पर रखे हुए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. कुछ इस तरीके की फोम आते हैं. दिस इज वेरी इजी टू स्वॉलो कैप्सूल एंड 10 का एक पैक आता है एंड 10 का एक पैक आता है. ऐसे 6 पैक आप लोगों को जो है मिलेंगे. बहुत अच्छे से सॉफ्ट जेली कैप्सूल्स हैं, तो आप इसको बहुत इजीली पानी के साथ आप इसको ले सकते हो. ये आपके हार्ट डिजीज को ठीक रखता है, साथ ही साथ आपके स्किन एंड हेयर एंड आपके इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है. आज के टाइम में इम्यूनिटी का जो फैक्टर है ना, ये मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, खास करके एबी पॉजिटिव वाले लोगों के लिए. एंड इसके मैं बेनिफिट की बात करूं तो ये रिड्यूस करता है एंजाइटी को, मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को, रिड्यूस करता है पेन को, इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट पेन को भी कम करता है, कीप करता है आपके जो है गुड हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, डिक्रीज करता है ट्यूमर के किसी भी तरीके की ग्रोथ को एंड आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छे से ये रिस्पॉन्ड करता है, इम्यूनिटी आप लोगों की बढ़ाने में मदद करता है. दिस इज अ वेजिटेरियन कैप्सूल्स गाइस, तो आप फैटी एसिड जो भी कंज्यूम करना चाहते हैं वो इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं. ऑल्सो इसको नॉन वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेजिटेरियन लोग ही ले सकते हैं. दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर्मूला. जो लोग भी बहुत ज्यादा बिजी अपने लाइफ के अंदर एंड वो चाहते हैं कि उनकी स्किन हेयर अच्छे रहें, स्किन के ऊपर फैटी एसिड से ना ग्लो भी आता है, इलास्टिसिटी बढ़ती है एंड खिंचावट जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है, तो स्किन प्लम्प बन आपकी जूसी लुकिंग रहेगी. ऑल्सो आपके हेयर बहुत अच्छे से मेंटेन होंगे, सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर आपके बनेंगे, आपके नेल्स कभी चैप नहीं होंगे. ये सारी चीजें तो देगा ही देगा, लेकिन फर्दर आपको बहुत सारी चीजों से ये बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट देगा. एंजाइटी एक बहुत बड़ी इशू हो गया आजकल के टाइम में, बहुत सारे लोग जो युवा है यूथ है वो एंजाइटी से परेशान रहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूं, तो उनको उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये मदद करता है. तो आप लोग इसको जरूर कंज्यूम कीजिए, बहुत इजीली है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर आप लोगों को ये मिलेगा. अगर आप इसको दिन की एक टैबलेट, हालांकि 2 आप कंज्यूम करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, बट आप दिन की एक भी लेते हो तो आपको 2 महीने चल जाएगा. तो अगर आप उसको कट कॉस्ट करोगे तो वो 500 rupees का आपको एक पैकेट आराम से पड़ जाता है, ऐसा आप बोल सकते हो. एंड दीज आर वेरी वेरी नाइस. एंड ये वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फिश ऑयल वो लोग कंज्यूम नहीं करते, बट ये वो बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. तो जिन लोगों को भी अच्छी हेल्थ के साथ साथ अच्छे हेयर नेल्स एंड अच्छी स्किन चाहिए तो वो इसको एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा. एंड इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़. जय हिंद. बाय बाय.